नमस्कार दोस्तों, बार नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हौस खास मेट्रो स्टेशन आप कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं मेट्रो स्टेशन में। इन सभी चीज़ों पे आज के इस वीडियोज में हम बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैं उसी गलियों में गुजर रहा हूँ जो कि मेट्रो स्टेशन की ओर जाती है, और यहाँ पे दो तीन गेटें हैं। जैसे अगर आप एम फेयर गार्डन की ओर जाते हैं और माँ शारदा पार्क की ओर आते हैं तो आपको गेट नंबर 3 में एग्जिट होना पड़ेगा या फिर गेट नंबर 3 में आपको इन होना पड़ेगा। तो अभी हम गेट नंबर 3 की ओर जा रहे हैं, और ये रास्ते में जो ये पार्क आपको दिख रहा है, ये पार्क से होते हुए हम गेट नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। तो मेट्रो स्टेशन में आप कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पर हम आज के इस वीडियोज में बात करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देख सकते हैं जो सामने है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्म इकोनॉमिक्स है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ता है। और इसमें जो है पूरी तरीके से, अगर आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोई काम होता है तो आप इस जगह पे आके अपना जो काम होता है वो आप करवा सकते हैं। तो अभी हम मेट्रो में जा रहे हैं। मेट्रो आपको बता दें, हौस खास में जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे दो लाइनें हैं जो कि आप मर्जेंटा लाइन की ओर या पिंक लाइन की ओर या बोटेनिकल गार्डन या अन्य जगह पे जाना है, कालका जी वगैरह, तो आपको हौस खास में ही बदलना पड़ेगा। और जो यहाँ के और भी मार्केट हैं, सरोजनी मार्केट या इन सभी जगह पे जाना पड़ेगा, तो आपको हौस खास में ही जो ट्रेनें हैं, जो मेट्रो है, वो आपको बदलना पड़ेगा। तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें आपको दिख जाएगा, वो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हौस खास मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे आप आएंगे, और यहाँ से आपको अनेक जो गाड़ियाँ हैं वो बदलना पड़ेगा। जब आप मेट्रो स्टेशन से बाहर आएंगे हौस खास से, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑटो लगे हुए हैं जिसके सारे आपको जहाँ भी जाना है उन जगह पे आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। हर एक जगह का आपको जो है यहाँ पे ऑटोज वगैरह मिल जाएगा। और ये पीछे का जो आपको दिख रहा है, यही है मेट्रो स्टेशन जो कि गेट नंबर 3 है। यहाँ से आपको जो है ट्रैवल करना पड़ेगा अन्य जगह पे, जब भी जाते हैं तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे सबसे पहले। और एंट्री लेंगे तो आपके पास जो है कार्ड होना चाहिए, और कार्ड या फिर आप कॉइन ले सकते हैं नीचे पे जाके, और कॉइन के माध्यम से जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये पूरा विवरण है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये गेट नंबर 3 है जहाँ पे आप एंट्री लेंगे हौस खास का, और इस जगह पे जब आप आउट होते हैं गेट नंबर 3, तो इधर जो है आप हौस खास विलेज के और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो उसके नियरेस्ट में यही मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वो आप घूम सकते हैं और यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वीडियोज में हमने यही चाहा कि आपको हौस खास विलेज जो है मेट्रो स्टेशन दिखाए, और क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगल बगल जो है बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं, रुक सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अगल बगल बहुत सारे जो है फ्लैटें हैं जहाँ पे जो भी काम होता है, या फिर फ्लैटें आपको रेंट पे लेना है तो उन सब चीज़ों पे आप रेंट पे ले सकते हैं। तो ये जो पीछे का आपको दिख रहा है, यहीं से इन होगा। अभी हम यहाँ से इन करेंगे और नीचे जाते हैं, और नीचे आपको दिखाते हैं हौस खास में और भी क्या चीज़ें हैं। खास जो है मेट्रो में, उसमें हम इन कर रहे हैं, और इन करेंगे जब भी आप कोई भी गेट से, तो इस तरीके से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एस्केलेटर भी लगा हुआ है, एस्केलेटर के सहारे आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम नीचे जा रहे हैं और इन करते हैं, और इन करने के पश्चात आपको जो है चेक कराना पड़ेगा बैग वगैरह, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाने के बाद फिर आपको पीछे चेक करना है। यह है मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको पिंक लाइन की ओर जाना है हौस खास में, जब आप एंट्री लेंगे तो इस तरीके से कुछ मेट्रो स्टेशन मिलेगा। अगर आपको पिंक लाइन की ओर जाना है तो ये पिंक लाइन का देख सकते हैं कलर किया हुआ है जगह जगह पे, ये लाइन आपको पिंक लाइन की ओर ले जाएगी। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो जो नीचे आपको छाप दिख रहा है, इस छाप के सहारे अगर आप जाएंगे तो आप पिंक लाइन तक पहुँच जाएंगे। आपको अगर येलो लाइन जाना है तो नीचे है येलो लाइन, जहाँ पे हुडा सिटी सेंटर या फिर समयपुर बदली की ओर जा सकते हैं। अगर आपको बोटेनिकल गार्डन या फिर सर्व विहार कल्लू सराय या इन सभी चीज़ों पे जाना है तो आप आगे जा सकते हैं, वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो ये पूरा है जो मेट्रो के जगह जगह पे जो है पोस्टर लगे हुए रहते हैं, और उसके सहारे आप जा सकते हैं। तो पिंक लाइन के लिए जो है ये लाइन आपको पकड़ना पड़ेगा जो कि अलग लाइन है, और वहाँ से आप जा सकते हैं बोटेनिकल गार्डन, जनकपुर ईस्ट, इन सभी चीज़ों पे आप जा सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में ये लाइन चालू हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। और अगर आपको येलो लाइन की ओर जाना है तो येलो लाइन के लिए आप नीचे जो है नीचे जा सकते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से है, तो वो आप जा सकते हैं। तो ये पूरा जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये है मेट्रो स्टेशन का, हौस खास मेट्रो स्टेशन का, कि कैसे आप आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हौस खास मेट्रो स्टेशन का अंदर का दृश्य है, देख सकते हैं इस तरीके से मेट्रो स्टेशन होता है। और जब आप अंदर आएंगे तो इसी तरीके से आपको इन करना पड़ेगा। देख सकते हैं मर्जेंटा लाइन की ओर जाना है तो ये वाले लाइन आपको पकड़ना पड़ेगा,
आपको येलो लाइन की ओर जाना है, तो ये नीचे जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन में जाना पड़ेगा। लगातार जो है अनाउंसमेंट किया जाता है और उसके सहारे आप जान सकते हैं कि आपको किधर जाना है। तो ये हौस खास मेट्रो स्टेशन का अंदर का दृश्य है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और वीडियोज़ आपको मिलते रहेगा। और देख सकते हैं एग्जिट पॉइंट, जब आप मेट्रो स्टेशन में आते हैं येलो लाइन में आप उतरते हैं तो ये एग्जिट पॉइंट है, देख सकते हैं। अगर ITI गेट या फिर स्कूल की ओर जाना है तो यहाँ जगह जगह पोस्टर किए गए हैं, उसके सहारे आप निकल सकते हैं।